अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फातिह शहबाज़ खान। नया साल, आवाम के मसाइल वही पुराने। तहरीक इंसाफ़ की जानिब से वाइट पेपर जो है वो शाया किया गया है और उन्होंने बताया है कि मुल्क की जो इकॉनमी की पॉलिसीज़ हैं वो ठीक समत में नहीं है, उसे रिविज़िट करने की ज़रूरत भी है और हालात भी काफ़ी ख़राब हैं। लोगों की राय क्या है, लोगों के मसाइल क्या हैं, आपको बताते हैं। हमारे साथ रहिए। घर में सब खैर है ना सर? वो अबू की तबीयत भी नहीं ठीक रहती है ना, तो अबू हार्ट के मसले हैं, दिल का मसला निकला है। क्या हुआ उन्हें? उनका दिल का इशू निकला था ना, मैं हॉस्पिटल चेक करवाया था, उन्होंने कहा था ये ठीक हो जाएंगे, मेडिसिन लिख कर दे जा रहे हो, कभी इधर चले जाओ कभी उधर चले जाओ, वो जवाब ही नहीं देते। तो ये बात है, ECG भी कराई थी दिल की, तो ये घर की परेशानी बड़ी है और बड़े भाई का भी एक्सीडेंट हुआ था, ये बात हुई है। अल्लाह फजल फरमाए। तो कैसे चला रहे हैं, निज़ाम कैसे चला रहे हैं सर जी? वो क्या नाम है बड़ा भाई भी बाल बच्चेदार है, यही बात है। तो क्या नाम है, दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, अल्लाह पाक आपको भी तंदुरुस्ती दे और मेरे पापा को भी, आपकी भी मेरे पापा के लिए दुआ करना। तो मेहरबानी, मेरे पापा के लिए सिवा और कुछ भी नहीं है, मैं वाहिद बंदा हूँ, तो मैं सबसे छोटा हूँ, पापा मेरे से प्यार करते हैं, ये बात है। बहुत प्यार करते हैं जी सर। डांटते नहीं कभी? डांटा नहीं सर जी, काफ़ी डांटा है। डांटा भी है जी, मारते भी हैं। मारते भी हैं जी अभी तक? जी सर। किससे मारते हैं? लोहे के धार के साथ। ना करिया क्या? जी सर यही बात है। क्यों? वो कहते हैं आवारा गर्दी ना किया अगर बाहर। वहाँ पर आवारा गर्दी करते हैं जी सर, अंदर जाके रॉड से मारे खाते हैं जी, काफ़ी अच्छे तरीके से जी अपना चाव पूरा करते हैं अपना जी, काफ़ी वो काफ़ी पांजा लगाते हैं, यही बात है। तो मैं वाहिद बंदा हूँ। तो दूसरी बात है, घर में और कोई भी नहीं कमाने वाला, और छोटी बहन की शादी भी की थी, वो भी अपने घर में खुश है। अच्छा, तो अभी आप कह रहे हैं कि अब्बा जी अब आखिरी दफ़ा राड कब मारे आपको? आखिरी राड वो कहना मैं अबू टांटते रहते हैं, अबू भी वो जब भी मैं अब तो नहीं मारा राड पिछले हफ्ते में? नहीं कोई भी नहीं मारा, ये नया साल आया था तो तब तो नहीं मारा? नहीं सर जी। क्यों, देर क्यों हो गई राड खाए आपको? वो कहना मैं कहते पढ़ने नहीं जाता, नमाज बड़ा करो। नहीं तो रॉड से मारते जी, रॉड पास ही पड़ा होता है उनके जी, उनके पास तो छुपा दो उसे। नहीं छुपाना नहीं ना। क्यों? वैसे ही तुम मुर्गा बनाते हैं या वैसे ही मारते हैं? मुर्गा नहीं बनाते ऐसे ही मारते जी। तो कितने रॉड मार के उनका दिल राजी हो जाता है कि यार अब ठीक है? वो गिनती के 15-16 मार देते। 15-16 रॉड जी? वो निशान नहीं आपके पड़ जाते? नहीं सर। क्यों? वो क्या नाम है, रेशमी रॉड है जी। क्या मतलब यार, निशान क्यों नहीं पड़ता? वो फॉर्म जैसे वो नहीं है। अच्छा, उस वाला है जी, चमोटा टाइप है जी। है जी सर। अच्छा फिर ठीक है। खुश रहें आप, ख्याल रखें अपना सर जी। आपकी दुआएं हैं ना, और कुछ भी नहीं है, आप मिल जाते हैं हमारा दिल खुश हो जाता है। और यही बात कहना चाहता हूं, लॉटरी भी है ही आपका अपना यार, तो मैं यकीन करें आप, तो आपका अपना चैनल है, तो मैं यही कहता हूँ दुआ है जौन से मियाँ आमिर महमूद साहब हैं, अल्लाह पाक उनको भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक आपको भी और आपकी वालदा को भी दे, और दुआ कर देना मेरे। बहुत शुक्रिया अपने वालिद, अल्लाह ताला उन्हें जी अपने रहमत फरमाए उन पर और उनकी सेहत के मसाइल हल हों, उन्होंने बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आपका। ओके, थैंक यू। क्या हाल है आपके? अल्लाह शुक्र भाई। चाय चल रही भैया आज तो? सर ठंड बड़ी लग रही है, इस वास्ते जरा चाय ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? अशरफ अली। अशरफ भाई किस इलाके से आप? मैं जी पिछला ननकाना साहब। पिछला ननकाना साहब? हाँ जी। ये क्या ननकाना साहब है इलाका हमारा? ननकाना साहब, ठीक है। हाँ जी, तो काम सही है? आते जाते रहते हैं रोज़ ही उधर आना? हाँ जाना पड़ता है। अमरूद उधर से अमरूद ले आके इधर बेचते हैं। पेड़े? हाँ जी पेड़े। ननकाना से आते हैं? हाँ जी। ब्रिगेडियर साहब के इलाके से? हाँ जी हाँ जी। ब्रिगेडियर साहब से नहीं मुलाकात हुई कभी? नहीं नहीं नहीं, उससे मुलाकात नहीं। बड़े बड़े सियासतदान हैं? नहीं, हम उसे जानते ही नहीं हैं। क्यों, कभी मुलाकात ही नहीं हुई? नहीं मुलाकात नहीं, अपने काम से काम रखी था। अच्छा अच्छा ठीक है। तो किस तरह अमरूद जा रहा है आजकल? अमरूद सर 80 रुपये। सीज़न बड़ा अच्छा जा रहा है क्योंकि महंगा है अमरूद। सीज़न जा रहा है 80 रुपये, 100 रुपये बेच रहे हैं इस टाइम। आपको तो ठीक बचत है? हाँ जी शुक्र अल्लाह पाक का, 1500-2000 की दिहाड़ी लगाते हैं। तो आपके अपने बागात हैं या आप भी बीच में से खरीदते हैं किसी से ठेके वगैरह पे? लेते हैं 2200 रुपये मान। आप 2200 रुपये मान लेते हैं? हाँ जी। और आगे फिर बेचते हैं? हाँ जी। आगे फिर मंडियों को देते हैं? नहीं नहीं, इधर हाँ रोड पे लेते हैं। अच्छा, तो कितना इधर चाहिए होता है अमरूद? इधर 2 मान 3 मान ले आते हैं तो बिक जाता शाम को।
तो ठीक निकल जाता है। हाँ अल्लाह का शुक्र है रोटी बच जाती है। अच्छा चाय नहीं पी रहे उधर ठंडी होती जाएगी? आप भी पी लो। नहीं आप चाय पिए साथ साथ, क्यों नहीं आप परेशान क्यों हो रहे हैं? चाय पिए आप आराम से, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। तबीयत कैसी? अल्लाह का शुक्र। क्या हालात है भाई? मैं जैकेट भेजने सर्दी का जैकेट भेज रहे बड़ा चंगा जैकेट भेजने। अच्छा तो किस तरह जैकेट? ये 1500-1600 का बना है, 2000-2500 का भेज। क्यों इतनी महंगी कर दी? महंगाई इमरान खान ने महंगाई कर दिया। किसने? मैं इमरान खान ने। इमरान खान साहब तो हुकूमत में ही नहीं है। हुकूमत है उसका, पहले हुकूमत है उसका महंगाई कर। वो तो आप गए भी 8 महीने हो गए। महंगाई कर दिया नवाज शरीफ ने। नवाज शरीफ साहब ने कर दी? अच्छा अच्छा। नहीं महंगाई किसने की ये तो बड़ी लंबी डिबेट है। अभी थोड़ा कर इससे और भी नोरा महंगाई आना है, इससे और भी महंगाई आना है, और 100% और भी महंगाई दे दो आने। अच्छा हाँ। तो आप किस इलाके से हैं? मैं पेशावर का। पेशावर से? तो लाहौर कितनी देर हो गई आपको? लाहौर 5-6 साल हुआ। ठीक काम है? अल्लाह का शुक्र। पेशावर याद नहीं आता आपको? नहीं पेशावर नहीं आने। पक्के पक्के इधर तो नहीं सेट हो गए? नहीं बाकी नहीं है, पेशावर का बाकी। जाते रहते हैं ना? आप कौन हो? मैं हाँ? मेरा भाई इधर। क्या? मेरा भाई इधर। कितने प्यारे से आपने ग्लासेस लगाए हुए। नाम क्या आपका? अघोष अली। नज़र कमज़ोर हो गई? हाँ ये दूसरी है। फैशन के लिए लगा? जी। यार ये कितना फैशनेबल बच्चा है यार, आपको कैसे पता ये लगाने हैं? ये वैसे लगाई हुई है। कहाँ से ली है? ये भाई की है। वाह भाई क्या बात है, किस क्लास में? मैं 3 क्लास में। स्कूल जाते हैं ना? जी। सही पढ़ते हैं? क्या क्या आता है आपको? सब कुछ आता है। पक्की बात है? क्या पढ़ाते हैं 3 क्लास का सिलेबस क्या है? 3 क्लास का सिलेबस उसमें है सारी इस्लामियात की बातें हैं। इस्लामियात की बातें हैं और इंग्लिश की? इंग्लिश में भी सब सिखाते हैं। और बाकी मैथ्स में क्या है? मैथ्स में टेबल हैं, टेबल वगैरह हैं। टेबल्स हैं? कौन कौन से टेबल्स हैं? सारे। 1 से लेकर 2 से लेकर कब तक, कहाँ तक हैं? 10th तक। तो आपको टेबल आते हैं? हैं कौन सा टेबल आता है सुनाएं ज़रा। 5 1 5 5 2 10। 5 का क्यों चुना है? जमा करते जाओगे तेज़ी से। चलो सुना सुना। 5 1 5 5 2 10 5 3 55 4 20 5 5 5 6 30 5 4 35 5 5 7 35 5 7 35 5 8 45 9 45 5 10 15। शाबाश गुडियार, आप तो बड़े ज़हीन तालिबे इल्म हैं। क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर बन जाना है? जी। क्यों? शौक। शौक है डॉक्टर बनना। वेरी गुड यार, ये तो कमाल हो गया। तो आप इधर क्या कर रहे हैं हॉल रोड पे? वो वैसे भाई लेके आए थे, छुट्टी हुई है ना। छुट्टियों में इधर फिरने तुरने आए हैं? हैं मज़ा लेने आए हैं। मज़ा लेने आए? गुड यार ये अच्छा है। तो आप कब छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं? छुट्टियाँ अब और हो गई हैं छुट्टी। तो घर में कौन डांटता है आपको? घर में? हाँ मामा। मामा डांटती? पापा नहीं डांटते? पापा नहीं। मामा पापा को भी डांटती हैं? जी। हाँ हैं? पापा को भी डांटती हैं? जी। कितना? बहुत ज़्यादा। पापा डरते हैं? सारा हुक्म मामा का चलता है? जी। जो मामा चाहती हैं वही होता है, देख लेना। आपको सीढ़ी लगा के घर जाना पड़ना है आज। आज पढ़ाई होनी है ना? आज यहाँ पापा ने मारना है या मामा ने मारना है? ठीक है। क्या हाल है सर आपके? खैरियत से हैं शुक्र अल्लाह। पूरा पैक करके आप आज? सर पैक ही कर आप है? अमीर हो गए हैं क्या हुआ है? मुझे कह रहे थे महंगाई बढ़ गई, लोग थोड़ा आगे आ जाएं। क्या हुआ, क्या है चक्कर, क्या चला है? सर्दी है सर। ये देखें आपने इतनी महंगी चीज़ें। 100 रुपया ये थर्टी का? 150। ये 150 रुपया ये गरीब है। हाँ तो ठीक है यार, क्या मसला है? और लंडा जिंदाबाद। क्या चाहिए और आपको? शुक्र है अल्लाह का सब। कुर्ता नहीं बताया आपने जो महंगा है? हाँ वो अपने वो लंडे का नहीं है, वो खुद सिलवाया हुआ है। और अच्छा है कैसे तो क्या हालात है महंगाई के? क्या हालात सर? हालात आउट ऑफ आज तरीकन साहब ने भी वाइट पेपर जारी किया है और उन्होंने कहा एक इकॉनमी के मसाइल बड़े ख़राब हैं और मौजूदा गवर्नमेंट से नहीं संभाले जा रहे, आपकी राय क्या है? वो तो हमें पहले से ही पता था कि इनसे संभाले नहीं जाएंगे, वो पता है। वो सिर्फ आए हैं इकतदार में अपने जो मसले मसाइल हल करने के लिए, आवाम के लिए नहीं आए। वो अपनी जो उनके मसले थे वो सारे हल कर रहे हैं, अपनी छुपा रहे हैं, कानून बदल रहे हैं, अपनी सेफ्टी के लिए सारा काम कर रहे हैं। 1% भी आवाम के लिए उन्होंने ना सोचा है, ना वो सोचेंगे, और ये कभी भी नहीं होगा। अच्छा जी, जब आप किसी जाहल और अनपढ़ को दे देंगे ना पावर दे देंगे तो वो ऐसे ही करेगा, उसको ये नहीं पता कि किसको क्या करना है और किसको किस जगह पे लगाना है।
उनको सिर्फ इतना पता है कि मैंने कैसे बचना है, इससे कैसे बचना है, लंदन से कैसे बचना है। मैं जी वज़ीर आज़म हूँ पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का भाई, उनका नहीं है, उनका इधर आओ जवाब दो यहाँ पे आके, उधर हो गए वज़ीर आज़म। पाकिस्तान का कानून होगा ऐसे, अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग, बाकी पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता, सबके लिए कानून एक जैसा है, इस्लाम में भी ऐसा है। नहीं, मुझे ये बताएं कि आपका जो किचन अब चलाते हैं आप, उसमें आपको कितना और पैसा डालना पड़ता है, तो फिर आपके किचन के मसाइल और फूड जो खर्च करते हैं आप? 50% बढ़ गया निज़ाम, 50%। मसाइल के तौर पहले 5 में काम हो रहा था, अब 10 पे हो रहा है, और इनकम जो 10 ही वो 5 हो गई है, इनकम गिर गई, इनकम बजट इंक्रीज हो गया, बजट इंक्रीज हो गया है, आवाम किधर जाए? इन हालातों में जब ये हालात बनते हैं ना, तो फिर मुल्क के अंदर जो जो वारदातें वो बढ़ जाती हैं। देखे ना, एक गरीब बंदा है 5,000 रुपया लेके आया है, राशन की दुकान पे गया है, बिल बन गया 10,000 रुपये का, वो क्या करेगा? नहीं, वो तो फिर सारी चीज़ें छोड़ के आएगा, क्या करेगा, किसको पूछे? कई ऐसे लोग सड़क पे खड़े होते हैं जो किसी से मांगते नहीं हैं, उनकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं और चुप करके खड़े होते हैं, अल्लाह से मांग रहे होते हैं कि या अल्लाह तू कुछ ही कर, हम तो कुछ नहीं कर सकते। आपने हमेशा देखे होंगे, अक्सर आते, मैं मार्केट में होता हूँ, मैं मार्केट का बंदा हूँ, यहीं पर काम करता हूँ, इतने लोग आते हैं और रो रहे होते हैं, मांगते नहीं हैं, वो रो रहे होते खड़े होके, अपनी किस्मत पर रो रहे होते हैं, हुक्मरानों की हुक्मरानों के अजाब को रो रहे होते हैं कि ये हमसे हमारे साथ क्या हुआ है, क्या करें? आप माशाल्लाह मीडिया के बंदे हैं, आपका आपके घर पे भी किचन होगा, आपका भी खर्चा है, आपको भी पता होगा कि क्या निज़ाम चल रहा है, सबको पता है, हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें पता है हम किन हालात से गुजर रहे हैं, और अल्लाह खैर करे, ये अल्लाह का ख़ास रहमत है पाकिस्तान के ऊपर कि आवाम भूखी सोती नहीं है यहाँ पे, अल्लाह मियाँ उनका बंदोबस्त कर देता है और खाना खा के सोते हैं, ये खुदा की कुदरत है, इंसानों के हाथ में हो तो ये तो मार दें कब का। नहीं तो मुझे अब बताएं इसका फिर क्या, आपके नज़दीक क्या हाल है, आपको क्या समझ आता है? देखें, आप पूरे पाकिस्तान की आवाम को उठा के पूछ ले, आपको 80% एक ही बात आएगी कि इमरान खान को ले आएँ, निज़ाम ठीक हो जाएगा, निज़ाम ठीक हो जाएगा। जिसको पता है कि 10 रुपये हैं उसको कहाँ लगाने हैं, उनको पता है, वो अपनी जेब में नहीं डालेंगे, वो लगाएंगे, इनके पास 10 आते हैं, ये 8 कैसे डालने जेब में, 2 रुपये कम कर लेंगे बाद में कुछ, ये निज़ाम है, वो इन चीज़ों में लग जाते कि 8 रुपये गैप कैसे करने हैं, ये नहीं सोचते कि वो आवाम को कैसे देने हैं, नहीं, वो 8 रुपये गैप कैसे करने हैं, ये मनसूबे दिमाग में चलने शुरू हो जाते हैं, तो क्या करेंगे पाकिस्तान, क्या करेगी वहाँ, कुछ नहीं कर सकते। आपकी वाबस्तगी या तौक़ात जो हैं वो आप क्या समझते हैं, कौन सी पार्टी तो बेहतर है आपसे? पहले तो हम जो हमारा नज़रिया मुसलमान है, हमें अल्लाह पे यकीन है, वो जो फैसला करेगा ना वो सबसे बेस्ट है। कौन सी पार्टी आपको लगता है कि आपके नज़दीक है, दिल के करीब है? मैं मुस्लिम लीग नून था पहले, सारी जिंदगी मेरी गाल सुनो पहले। नाम क्या आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद अदनान है, सर मेरी मोबाइल की शॉप है, मैं तकरीबन डेली आना हार रोड से सैसरी लैन, डेली कोई वेस्ट है, डेली वेस्ट है 10 रुपये 15 रुपये, हर चीज़ का रेट टैक्स, हर चीज़ का इन्ना कुना टैक्स वधाया, इन्ना कु टैक्स वधाया होंगे कि गरीब बंदा उन जो पहले मैं मुस्लिम लीग का मुस्लिम नून पिछले है पहले शेर आले नाल से अभी बाद इमरान खान आया जी असी जी उन्होंने वोट दे खुद मैं वोट इमरान खान पाया से जो उन्होंने हुकूमत आई बाद क्या यार है तो उन्होंने तो भी अगे फिर असं क्या जी शेर न आए शेर आए तो शेर ने तो आडू ही एंड काटता है ना कोई समझ आती पई है गरीब बंदा इन्हों सिर्फ ऐ पैसे खाई जा रहे चुप करके बैठे ने ना वो पार्टी तो कोई समझ आती पी ना ए पार्टी समझ आती पी आवाम ना गरीब वैसे मार रही इन्हों सिर्फ आप चुप करके बैठे हैं जी बस हल्ला ही होने इन्हों कुछ इन्हों का कुछ सोचेगा वरना कोई समझ नहीं आ रही। अच्छा नहीं कुछ नहीं समझ आ रहा हूँ कोई ला कोई नज़र नहीं आ रहे ये सर इमरान खान साहब के धरने की वजह से जलसों की वजह से हम खुद झगड़ते रहें लड़ते रहें वो हमारे थे पाकिस्तान के हमारे पाकिस्तान की मिसाल वो बन गई कि आसमान से कीड़ा और खजूर पे अटका यकीन माने दूध के डरे हुए लस्सी भी फूंक फूंक कर पी रहे हैं दूध के डरे
यकीन मान। ठीक बात हकीकत बात है। ठीक बात। पहले आवाम इमरान खान को बुरा कहती रही, तो कहते रह गए ये कर गया वो कर गया, तो मियां साहब ने भी एंड कर दिता। पहले उन्होंने वोट दिते होने तो दिते, हूँ तो सिर्फ अल्लाह ही है कि इन्होंने लोगों को हदायत दे। यकीन माने अल्लाह ही हदायत। ये क्वेश्चन है कि जितनी भी आवाम है जो इस वक्त रेंट पे रह रही है, रेंट के घरों में रह रही है, खासकर हमारे पंजाब के जो लोग हैं, आल पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं जो रेंट के किराए के घरों में रह रहे हैं इस वक्त, जो सैलरी बेस पे हैं, उनकी सैलरी उधर ही है, महंगाई कमर तोड़ है। ठीक है, आटा चीनी घी ये जो चीज़ें हैं जो असल गरीब आदमी ने अपना खाना खाना है, घर के अगर चार फर्ज हैं, चार फर्ज अगर कमा रहे हैं तो उनकी फिर पूरा हो रहा है अखराजात। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, बिजली के बिल ये कमर तोड़ आ रहे हैं, इसमें टैक्स लग रहे हैं। ठीक है, और गरीब आवाम का क्या, जो एक बंदा 20,000 रुपया सैलरी ले रहा है महीने की पर मंथ, एक सेलमैन कह लो, सिक्योरिटी गार्ड कह लो, कोई कह लो, ठीक है, तो वॉलंटियर कह लो, उसमें उसके अपने घर का किराया भी देना है, बच्चों का अखराजात भी, जो राशन हम 5,000 रुपये का घर में डालते थे अपना आटा चीनी की वगैरह का सामान जो हमारे घर की ज़रूरत है, वो आज 15,000 में पड़ रहा है। ठीक है, अब जो वक्त चल रहा है इस वक्त, हम 1,000 रुपये का नोट जो है इस वक्त माली हालातों में बच्चों का घर में खर्चा है अखराजात। अब दुनिया में अनाउंसमेंट की है कि जी ये जो प्राइवेट तबका है, सेलमैन हो गए, सिक्योरिटी गार्ड हो गए, जितने भी दुकानदारों सालों में बंदे रखे हुए हैं, वॉलंटियर होल्डर जो भी हैं वर्कर, उनकी सैलरियाँ 30,000, 35,000, 40,000 रुपया या 50,000 रुपया, पर ये बातों पे तमीज नहीं हुई, ये बातें उधर ही हैं। अखराजात बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है। ठीक है, दुनिया घर घर में रोज़गार हो गई है, स्वैत पोष हो गई है, आप अक्सर चल जाएँ शहरों पर, रोडों पर चल जाएँ, कई इधर हजारों दुनिया है, उनसे पूछ रहे तो वो आपको मुंह से हंसते नजर आएंगे, अंदर से वो दुखी हैं। बिजनेसमैन जो थे जो इस वक्त रेंट पर रह रहे हैं वो भी इस वक्त रोज़गार हो गए। क्यों हो गए हैं कि कारोबार ही रहे, जब से कोरोना गया उसके बाद कोई बंदा सीधे नहीं हो सका, पहली बात। दूसरी बात, हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपने कामों में मसरूफ है, हमें सियासत नहीं चाहिए, हमें अवामी जो हमारी सहूलतें हैं, जो घर घर में हर चीज़ बंदे की औरत की जो ज़रूरत है, ठीक है, जो हम लोगों ने अपना पेट भरना है, जो बच्चों को अखराजात हैं, उसमें कोई कमी दी करी की जाए। ठीक है, पेट्रोल है जो 70 मोटर पे अब वो 250 रुपये लीटर हो गया है। ठीक है, सुई गैस, सर्दी आती है सुई गैस के बिल डबल रेट हो जाते हैं, गर्मी आती है तो बिजली हाई लेवल पे चल जाती है। माड़ा बंदा जिसने 20-25,000 रुपया सैलरी ले ली है, रेंट का घर है, उसके लिए ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो गई है, वो बेरोज़गार हो गया, तो इस पर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। ठीक बात। क्या हाल है आपके? फजी साहब वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जी। आई एग्री विद जहांजेब खान, एडवाइजर टू अमन कमेटी पंजाब। जी सर, आप ठीक हैं? खैर से अल्लाह आप। तो क्या हालात आप देख रहे हैं? हालात फात भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हालात बाकी बड़े ख़राब हैं जी। जो मीडियोकर लोग हैं वो तो आप समझे कि ज़मीन दोज हो चुके हैं, तो गलती हमारी कि यानी कि हम गलत हैं, हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे कि इमरान खान, देखिए हमने मुशर्रफ आया उसकी भी मिठाई खाई, मुशर्रफ गया उसकी भी हमने मिठाई खाई, मियाँ साहब आए उनकी भी मिठाई खाई, जब वो गए हैं उनकी मिठाई, तो हाँ तुम्हारा हाथ तो ये है कि हम ना 3 MM ना 13 MM, हम लाई अलग लोग हैं, लेकिन हमें कुछ सोचना होगा कि जो नेक्स्ट जो दिन आने वाले हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं, वो बड़े सेंसिटिव हैं। बस गरीब के लिए तो यानी कि आप, मैं ये कहना चाहूँगा दो टोक कि मुल्क गरीबों का है ही नहीं, उनका कोई पुसाने हाल नहीं है। आप देखेंगे यहाँ सारा मजदूर तबका है, और आई थिंक उनको एक वक्त की रोटी भी आई थिंक उनको नसीब नहीं है। हम तो अल्लाह का शुक्र है जी कि मीडियोकर लोग हैं,
अपना सफ़ेद पोश हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हम उनकी बात करें जो हरबा के नाम पे आए, जो पूर पीपल के नाम पर आए और अपना सब कुछ। लेकिन आप इमरान खान की बातों में आप तजाद चेक करें कि वो क्या बातें करते थे, अब वो क्या बातें कर रहे हैं कि नो प्रोटोकॉल, नो गनमैन्स, नो सड़कें बंद। लेकिन वैसे आप देखें जमान पाक, आप माशाल्लाह आप जाते रहते होंगे, क्या हाल किया हुआ है। इतनी नफरी इन्होंने जो है डिप्लॉय कर दी है कि पंजाब पुलिस का कर दिया। वो हमला भी तो हो गया था उन पर। यू आर राइट, आई एग्री विद जी, हमला हुआ उन पर, बिल्कुल हुआ। लेकिन उसको जो है वो इतना बढ़ा चढ़ा कर कि वो हमारी पंजाब पुलिस पे जो है वो अपना एतबार नहीं कर रहे। स्पेशल कमांडोज जो है वो केपी के पुलिस के यहाँ डिप्लॉय किए गए हैं। तो आई थिंक ये तो उनकी कॉलो फेल पर भी तजाद है। क्या हाल है आपके? बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नहीं ताजी? नहीं ताजी भाई, यही है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि मिल बैठ के महंगाई को कंट्रोल करें। जो दोनों पार्टियाँ लगी हुई हैं, इनको दोनों को मिल बैठ के गरीब आदमी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये जो अपनी अपनी कुर्सी की खातर लगे हुए हैं, गरीबों का सोचना चाहिए, महंगाई कंट्रोल करनी चाहिए। हर चीज़ डबल से ट्रिपल हो गई है, इन लोगों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये अपनी अपनी कुर्सी की तरफ लगे हुए कि मुझे हुकूमत मिल जाए, मुझे हुकूमत मिल जाए, गरीबों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहेगा। देखे आटा कहाँ पर पहुँच गया, चीनी किधर चली गई, मुर्गी गोश्त देख लें, हर चीज़ डबल से ट्रिपल हो गई। उस रेट पे अवेलेबल भी नहीं है। हाँ जी, उस रेट पे अवेलेबल भी नहीं है। लेकिन या तो अवेलेबल हो, लोग इनकी बहुत दौर आगे के लोग जेब में पैसे लेके चलेंगे, लेकिन उनको चीज़ अवेलेबल नहीं होगी। हम उस दौर में इस वक्त आ गए। ये ठीक बात है। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है हल उल क्या है इसका? हल कैसे करेंगे गुजारा, सर्कल कैसे चलाएंगे? बस गुजारा अल्लाह ही कर रहा है, अल्लाह की तरफ से गुजारा हो रहा है। जो हालात बन गए हैं ना, बहुत मुश्किल हो गई अभी गुजारा कर। भाई साहब क्या हाल है आपके? सर मैं आता हूँ आपकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, अल्लाह का शुक्र। भाई साहब कैसे हैं आप? कोई दुआ दो ही करवाएं ताकि कोई बदले, हालात ही बदले। हालात उन्हें बदलेंगे, ये जो कर रहे हैं ना, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो दोनों हुकूमतें लगी हुई हैं, देखें यहाँ से जो भी कोई गुजरता ना, पहले रास्ते बंद करते हैं, फिर कोई कोई यहाँ से गुजरता है। पब्लिक हो रही है तो खरी, हम उनके लिए ना वो कीड़े मकोड़े बनी हुए हैं, यकीन है। कीड़े मकोड़े होते हैं ना, आज मुर्गी 524 रुपए किलो है, वो भी दूर हो। है जी, बिल्कुल दूर हो। 524 रुपए आदमी क्या खाए बताए, आवाम से दूर हो। क्या होता है, बड़ा गोश्त 900 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो है, क्या खाए बंदा पूछे। जब दिल करता लाइट चली जाती है, जब दिल करता है, जो दिल कर, जो इनका दिल करता वो कर रहे हैं, अपनी मर्जी कर रहे हैं। फीड नहीं आ रही, फीड नहीं आ रही, तो वहाँ पे कंटेनर इतना खड़ा, कराची में इतना कंटेनर खड़ा, जिस जिन लोगों का माल आया हुआ है उनको क्लियर करें, क्या वजह, क्लियर क्यों नहीं कर रहे वो क्लियर करें। कहते हैं जी हमारे पास डॉलर नहीं है, तो डॉलर कहाँ सारा गया? जो पाकिस्तान का जो पैसा वो किधर है, वो कहाँ गया हुआ पैसा? उनको क्लियर करें। अच्छा, वो क्लियर करवाएं पैसा, हाँ, ताकि वो कंटेनर छुड़वाएं, अपने जो लोगों के माल हैं वो आए हुए हैं। वो कहता जी फीड नहीं आ रही, फीड इसलिए महंगी। क्या हुआ? यह तो हमारे हुक्मरानों ने है, अवाम का इसमें ना इधर आ जाए। अच्छा फिर जी, सर बात ये है कि गवर्नमेंट कोई भी आए, उन्होंने अवाम का नहीं सोचना, सिर्फ ये कहना कि 22 करोड़ ये कह रही है, 22 करोड़ ये कह रही है। पहले हुक्मरान जो थे वो अपना सर देते थे, अब ये सर लेते हैं कुछ भी नहीं करते। और ये तो उम्मीदें हैं हर पार्टी की, जब तक अवाम, ये 22 करोड़ अवाम सियासत से हट के नहीं निकलेगी, कुछ भी नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लें। क्या फिर करें आप? तो पार्टी तो आपस में 22 करोड़ अवाम निकले इनसे हट के, क्या करेंगे? मैं क्या करें, डायरेक्शन लेस हो जाएंगे, कौन लीड करेगा, कौन लेके चलेगा? देखिए ये तो फिर जाने लेंगे, इससे अलावा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप मुझे बताएं, इस वक्त दो पार्टियां पीटीआई और नून, ऐसे ही है, गवर्नमेंट भी दो है, पंजाब की अलग, वफाकी अलग, ऐसे ही है। अब देखें इन चक्करों में माफिया जो है ना, ये ऊपर आ रहा है, क्यों? मुर्गी को दूसरी कंट्रियों में आप देख लें, वहाँ पे अगर 1 रुपया बढ़ाते हैं उसकी दुकान सील कर देते हैं। ये तो खुद इनको ऊपर कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? मैं जी यानी बस इसी तरह ही आवाम की खिदमत करता हूँ, और जो मैंने सीखा है आवाम से या गवर्नमेंट से, मेरा ख्याल है कि मेरा एक ज़ाती प्रोग्राम जो मैंने लिखा है, उसका नाम भी मैंने रखा है सच मांगे सर। तो मैं ये चाह रहा हूँ
कि ये कोई टीवी मुझे ले और मैं बताऊं कि सच मांगे सर का मकसद क्या है। तो ये मेरा ज़ाती नाम मैंने रखा है, इसके अलावा मैंने एक इतना मुतशद्दद प्रोग्राम है आपका, वो इसलिए तशद्दद से शुरू हो रहा है, वो इसलिए खून खराबे से शुरू हो रहा है। नो 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 नो, आप क्या कहते हैं, आप किसी भी इदारे में चले जाएं, सुई गैस बिजली पानी में, उधर देखें लंबी लाइनें गरीबों की लगी हैं और इनको इन्होंने माफिया बिठाया हुआ है, गनमैन बिठाए, उनसे मिल नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात ये, वो ये नहीं देखते ये क्या, वो कहते हैं बीबी जमा करवा, अब वो सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, जो मर्जी कहो। और अवाम का ना 22 करोड़ अवाम का नाम लेते, कोई इनसे मिल के दिखाए, अंदर नहीं घुसने देंगे, कौन करेगा क्या? आगे जो वक्त आ रहा है, ये सारे सुन रहे हैं, आगे जो वक्त आ रहा है, बंदा बंदे को काट के खाएगा, जिएगा कौन? जो गवर्नमेंट मुलाजम है और जिनकी ये शॉप्स या बैंकों में पैसा है। आपने बैंकों में रखा है कुछ? मैंने रखा होता है। क्या रखा है बैंकों में? मैंने कुछ नहीं रखा, बस अल्लाह का नाम है जिसके ऊपर। सरकार के मुलाजिम नहीं है? नो। तो बैंकों में भी कुछ नहीं है? नो। तो आपका प्रोग्राम कैसे चलेगा? मेरा प्रोग्राम, आप जैसे कोई हिम्मत वाला आएगा ना मीडिया का, तो मैं चला के दिखाऊंगा। लेकिन खतरनाक आपका प्रोग्राम है, कैसे चलाएंगे? लेकिन आप खुद ही डर रहे हैं, हम दोनों शहर बदर हो जाएंगे। नो नो, शहर बदर हो आपने साथ मेरी छुट्टी भी करवाएंगे। मेरी बात सुन, मेरी बात सुने जी जी, इधर जो मुल्क और इस्लाम के लिए ऊपर रहेगा ना, सर देना पड़ेगा। जैसे आपके मीडिया के ले लें, इनके ऊपर भी मैंने प्रोग्राम करना। क्या? अच्छा बताएं, ये खुल के बताएं। हाँ खुल के बता रहा हूँ। अब देखें कि आप सच के लिए बाहर निकल, अपनी आपका ही, आपने ही मुझे कहा सच के लिए जो जाता है उनको ये निकाल देते हैं, तो मलेशिया में मरवा देते हैं, कहीं भी किसी भी उधर मरवा देते हैं सबको, क्योंकि आप सच के लिए बोलेंगे आपको जान देनी पड़ेगी। क्यों जी? पेंटिंग में क्या है? ये मेरा फ्रेमिंग का काम है। अच्छा, फ्रेमिंग का काम? मेरी फ्रेमिंग का काम है। तो बड़ा अच्छा काम है आपका। लेकिन ये बनाते हैं इसे जी? नहीं, ये मेरा वुड स्ट्रिप का काम है। और दूसरी बात ये है कि मैं बहुत से इदारों में खुद जाके बड़ा कुछ सीखा मैंने, तो आपके मीडिया को भी मैं बहुत अच्छी समझता हूँ, अच्छी तरह। कोई शक नहीं इसमें, आप सोसाइटी को अच्छे से देखते हैं तो फिर मीडिया को भी समझते होंगे। और दूसरी बात ये है, आज पहले खाली किसी इदारे का नाम लेते थे तो डरते थे, आज हर बंदा उठ के हर इदारे को गलत कह रहा है, कौन पूछ रहा है किसी को? हाँ, फ्रेमिंग गलत हो गई। सही, ये जितने खड़े हैं इधर है कि हर बंदे को चांस दिया गया है। अच्छी बातें कर रहे थे उन्हें, जरा वज़ीर-ए-आज़म का वो, ये आप वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं? हैं, वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं? नहीं, मैं एक वैसे ही बना दे वज़ीर-ए-आज़म आपको। आप फॉर्मेलिटी तौर पे बात कर रहा हूँ, सब बंदे को चांस देना चाहिए, कोई शक चेक करना चाहिए। ठीक बात। मुझे ये बताएं कि आप कब से ये फ्रेमिंग कर रहे हैं और ये आर्ट बड़ा आर्टिस्टिक सा काम है आपका, कहाँ से सीखा आपने और आपका तो एक उम्र गुजर गई इसमें माशाल्लाह। मैंने लाहौर में सीखा है, ये अपना निस्बर रोड पे इधर हमारी शॉप है, और बल्कि जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैंने बहुत से गिफ्ट किए हैं ये। जिनको गिफ्ट किए हैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहे जी? एक ही दोस्त हैं आपके? बड़े दोस्त हैं। आप हमसे दोस्ती क्यों नहीं करते? कर लें, ये सब सुन रहे हैं। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं जस्ट किडिंग। अच्छा, तो काम आपका कैसा चल रहा है? घर में ठीक है हालात? अल्हम्दुलिल्लाह, कमाई अच्छी हो रही है। बस सो यहाँ आप सारा दिन नजरियाती सोचते रहते हैं? सोचते रहते हैं। मंटो बने हुए हैं? नहीं, मंटो नहीं बने, मंटो ये वो सारा मैं किसी को, कुछ लोग हैं सेल्फियाँ उतराते हैं सियासतदानों के साथ, मैं कहता हूँ मेरे से उतरवाएं, ये भी इंसान के बंदे, हम भी उधर के बने, क्या देते हैं किसी तो को? क्या इसमें क्या मसला है? नहीं, ये देते तो हैं ये किसी को? हाँ ठीक, आप मुझे बताएं, ठीक बात, किसी को देते हैं? आपका नजरिया ठीक है, मैंने गलत तो नहीं कहा? कुछ पॉपुलर लोग होते हैं, आवाम खुश होती है फिर कि ये देखें अच्छा बोलते हैं, पॉपुलर भी मीडिया करती है। अगर मुल्क बचा ना तो आप लोगों की वजह से बचा, उसकी वजह कुछ लोग मुखालफ हैं, कुछ लोग उनके हक में हैं गवर्नमेंट के, और कुछ अब पाकिस्तान बचा किस लिए? जो मुखालफ हैं वो अगर ये कुछ करना चाह रहे हैं तो वो मुखालफ बोलते हैं तो ये कुदरत उसे बचा देती, वरना मुल्क तो कब का हम दे चुके होते, उस लोगों को दे चुके होते जो इस वक्त आपका पूरा पाकिस्तान चला रहा है। आप बतौर वालिद भी घर में जब होते हैं सख्त मिजाज हैं या नॉर्मल हैं? साहब जब बचपन में था तो उनकी डेथ हुई। नहीं, आप खुद? जी जी। आप जब बच्चों को, अपना अपने बच्चों को देखता हूँ, सख्त मिजाज हैं आप? नो, नॉर्मल है बिल्कुल। ये इनकलाबी बातें अपने बच्चों के सामने नहीं आप करते? नहीं। क्यों? इसलिए ये इनकलाब सड़कों के लिए बस रखा है? नो नो नो, मेरी बात सुने, बात ये है कि उनमें इतना
माइंड नहीं दे, आप समझ नहीं पाते, घर में पांच बच्चे हैं, समझ नहीं पाते आपकी बात, मैं समझ गया, एक दो शरीफ हैं, तो एक इनके यानी कोई ऐसे बंदों के कुछ ऐसे लोग जिनसे आप नहीं बात करते, अभी बच्चे कुछ माँ बाप मिलान नहीं होता ना, सॉरी बेटा सॉरी, तो मिलान 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 नहीं होता, मिलान नहीं होता, बाप एक माँ माइंड सारे डिफरेंट, तो इसलिए बच्चा कोई इनकलाबी बाप पे नहीं गया, नो सारे नॉर्मल हैं, क्योंकि आप अल्लाह पाक आपको जिंदगी सेहत दे, आपको भी अल्लाह पाक खुश रखे, आप ये मेरा जो प्रोग्राम है ना सच मांगे सर करेंगे ना, नहीं आएगा तो मजा आएगा आपको, जरूर करेंगे इंशाल्लाह, चलें ओके, अस्सलाम वालेकुम सर, तबीयत कैसी आपकी, अल्लाह पाक का करम है शुक्र है, ठीक है बस गुजारा हो रहा है मुश्किल में, गया ही हालात बहुत, किस मिसवाक कितने में दे रहे हैं, मिसवाक एक में 10 रुपए की दे रहे हैं, 10 में, हाँ जी 5 रुपए के हम मूल लेते हैं, 10 रुपए की ये काले महंगाई बहुत है, अखराज ये खरीदते हैं लोग आपसे, मोल लेते हैं, हाँ जी हाँ जी लेते हैं, ये मार्केट वाले जो करते हैं वो लेते हैं, बस यही अल्लाह पाक से दुआ है कि हर मुसलमान को अखराज अपने आपने ख़जाने में दें, तो मेहनत करके मशक्क़त करते महंगाई थल्ले आया है, तो ये अल्लाह पाक करम कर सकते हैं हम मुसलमानों पर, नहीं तो आपका कैसे गुजारा कैसे घर का हो रहा है, बस अल्लाह पाक देखते रहो, इसमें से आप कितना निकाल लेते हैं पैसे वगैरह, इसमें एक 2-3 नेट में अच्छी होती हैं वो निकल जाए तो दिहाड़ी का मान जाती है ज़्यादा तौर, नहीं तो एक कोई 10-20 ही दे दी, आप सारा दिन फिरते रहते होंगे, हाँ जी कोई 10-20 खरीदे ना खरीदे, 10 साल ये 20 नहीं गाहक लगे हुए हैं कुछ, हमें 3 ऑपरेशन, हाँ जी 3 ऑपरेशन हुए हरनिया के फिर हो गई हैं, बस हूँ थक जाता हूँ, जट खलो गया हूँ जट बैठ गया हूँ अपना काम, दूसरे जो नए मजनी काम कर सकता हूँ शुगर हैगी इस वजह तो ये काम थक जा जट बैठ अपना काम है, मशक्कत मजदूरी और नहीं हो सकती है, तो आप घर में कोई है और कमाने वाला, नहीं छोटे बच्चे हैं वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक बच्चा सिखलाई पर भेजा है भैया वो गुटका लाल टैला टैला बिल्डिंग पर लग दी, और रिश्तेदार हमारे करते हैं वो वाली सीख रहा है, अच्छा हाँ। तो ये इसका मतलब है कि आपकी लाइफ मुश्किल में है काफ़ी, बड़ी मुश्किल, बस अल्लाह पाक कोई बंदे हेल्प माड़ी मोटी कार, कौन सी पार्टी आपको लगता है पाकिस्तान के लिए ठीक काम कर रही है इस वक्त या आपके दिल के करीब है, सर जी पाल्टे थे हमारे प्यो दादे की मिसालें नून लीग की है, अच्छा मगर ऐसे हालात में ऐसे हुकूमत ने बहुत महंगाई कर दी है, बहुत महंगाई हो गई तो रोटी खानी हर बंदे लिए मुश्किल बनी खाली है, ये हूँ पता नहीं कि पिछली हुकूमत की तरफ से महंगाई बढ़ी है या इनने खुद ही डेली दिहाड़ी दिहाड़ी, नहीं आपको नहीं इस बात का पता कि हुआ क्या है, हाँ जी मैं तो सही बता रहा हूँ, ठीक कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं, वो उनकर मानते हैं उसने कर दिया वो कर रहे हैं, बस वो दोनों पार्टियां इस तरह लगी हुई हैं, मगर गरीब बंदा हर पीस रहा है महंगाई में। क्या नाम है आपका? हसन मेरा नाम। हसन भाई क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे पंजाब मोबाइल में रिपेयरिंग सीख रहा हूँ। तो आपने पढ़ा नहीं? पढ़ा है मैंने, मैट्रिक किया, बाद में छोड़ दिया। हाँ जी। क्यों? बस वैसे ही। वजह क्या बनी? अब नहीं बना, उसके बाद दाखला भी मिल रहा था। दिल ही नहीं किया? नहीं, दिल तो करता होगा यार, इंटेलेक्चुअल से लग रहे हैं आप, पढ़े लिखे लग रहे हैं। तो यार पढ़ना चाहिए था आपको, लेकिन ज़्यादा मोबाइलों का शौक था, फिर उन्होंने क्या इतना शौक था कि पढ़ाई छोड़ दी? कमाल है यार, साथ एडमिशन करेंगे, साथ बाहर भी एडमिशन करवाएंगे। नहीं यार आप पढ़े पुढ़े हैं तो घर के हालात कैसे हैं? बेहतरीन है माशाल्लाह, फिट है, शुक्र है। आप ही फिर नहीं पढ़े, बाकी बड़े पढ़े हैं घर में? हाँ जी। यार हसन भाई आपको भी यार ये सोचना चाहिए था, ये जो आप काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा काम है, लेकिन आप साथ पढ़े भी। हाँ जी इंशाल्लाह, साथ काम कर लें इंशाल्लाह, पक्की बात है? पक्की बात है, ये वादा हो गया? हाँ जी इंशाल्लाह, देख लें। हाँ जी, मरवाना देना यार। नहीं नहीं, मैं आपको पक्का वादा करेंगे। हाँ जी इंशाल्लाह। ये दोस्त आपके हैं? नहीं, ये आपके दोस्त नहीं है? नहीं, मुझे आपके दोस्त दोस्त क्यों लग रहे हैं? सारे दोस्त। हाँ, क्या हाल है? ठीक। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ओए होए, क्या नाम है आपका? रेहान। बुरहान? रेहान। रेहान, रेहान क्या करते हैं आप? मैं वो क्या नाम है, क्या नाम पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हो? इस्लामिया के बातें, वो बातें क्या। किस क्लास में पढ़ते हो? टू क्लास में हो? तो स्कूल जाते हो? जी। हैं जी, पक्की बात है? जी। तो पढ़ते पढ़ते भी हो या बस हमें कहानी सुनाई हुई है? कहानी नहीं। हाँ, आज स्कूल से छुट्टी हुई ना भाई, इसलिए शॉपिंग कराए लेने आए भाई वहाँ पे। अच्छा, एप्पल की स्पेलिंग तो आते हैं? अभी याद करने हैं, क्या नाम? क्यों है? क्यों नहीं याद किए? याद करने हैं ना। सुनाओ तो सही।
आते नहीं है। थोड़े से सुनाओ। RRBLUEBLUETHR33S। ये किसके सुना रहे हो? एप्पल के? एप्पल के नहीं आते। एलिफेंट के सुना दो तुम्हें, छोड़ो एप्पल, एप्पल तुम्हें पसंद नहीं होगा। एलिफेंट तो पसंद है ना? किसको कहते हैं उर्दू में एलिफेंट? एलिफेंट को हाथी को। हाथी को कहते हैं ना, शाबाश, वेरी गुड। तो इसके स्पेलिंग सुना दो। हाथी के। हाथी के, हाथी लिखते कैसे उर्दू में पता है? नहीं अभी आप टू में शायद, पता नहीं आपके सिलेबस में है भी कि नहीं। हमारे सिलेबस में ये नहीं है। आपके सिलेबस में क्या है मुझे वो सुना दो भाई, जो है वो सुना दो, खुद से सुना दो। सलामिया के वो हैं। उर्दू का क्या है? उर्दू में, उर्दू का क्या है? उर्दू का मैं अच्छी अच्छी बातें करना है, कोई चोरी नहीं करनी है। ये स्कूल जाता है जी। इसे आता क्यों नहीं कुछ, पढ़ता नहीं? इसका तोजो नहीं पढ़ने की तरफ ना। अच्छा तो आप क्या बता रहे थे? क्या नाम है, उर्दू की। उर्दू की, तो इंग्लिश का क्या आता है? ए बी सी आती है, सुना दे। ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। शाबाश। और मैथ्स का क्या आता है, रियाजी का क्या आता है? रियाजी का नहीं पता। एक दो तीन आती है, क्या बताया उन्होंने कान में, क्या बताया? तो जो दो पढ़ाई पे क्यों नहीं पढ़ते हो? छुट्टियां हैं ना इसलिए घर जाके सपारा पढ़ता हूं। ना मेरा बेटा, पढ़ोगे नहीं तो क्या बनेगा फिर? हैं, पढ़ना जरूरी है ना, ठीक है? आप पढ़ोगे? घर में कौन है पढ़ाने वाला? मेरी आप ही हैं। तो आप ही को कौन है मुझे पढ़ाएं? आप ही पढ़ाती हैं, फिर भी मैं आप ही शरारती हो, आप खेलने चले जाते हो, कितनी बुरी बात है। आपको आता कुछ नहीं है? हाँ, आप पढ़ोगे? वादा हो गया? माजी का लाज जरूर देख लें एक दफ़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नुमान है जी। नुमान भाई आप क्या करते हैं? मैं जी फॉरन में सऊदी अरब में होता था, अभी मैं एक साल से पाकिस्तान में आया हूँ। अच्छा, तो कैसे हालात हैं? हालात ऐसी हैं कि जैसे बिल्कुल ऑफ हैं, जीरो है, हर चीज़ जीरो है, काम करने नहीं दिया जा रहा। ये सिर्फ पाकिस्तान जो सा हमारा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह के नाम से बचा हुआ है, पाकिस्तान की तो बात ही नहीं है। ये जो पाकिस्तान की जितनी गवर्नमेंट्स हैं ना, कोई भी है इसमें, कोई भी सियासतदान है, ये पाकिस्तान को चलने ही नहीं दे रहे। अगर मैं 38 साल का हूँ, लेकिन बैक से हमारे बड़ों ने बताया जी ये 71 साल से ऐसे ही चल रहा है, ये फिर क्यों वो ख़ानदान इनका चलता आ रहा है? कोई भी है, ये उसी के अंदर घुसे हुए हैं, ये अपने घर बेच के क्यों नहीं ये उनको लेके आ रहे? अगर ये कहते हैं जी हमारे पास अगर कोई भी बड़ा बंगला हम खरीद लेंगे, वो कौन सा आवाम का बंदा खरीद रहा है? उससे क्यों नहीं ये गवर्नमेंट पैसे ले रही? कि आज हम खबरों में यही सुनते आ रहे हैं जी हमारा ग्रे लिस्ट से भी चला गया। ग्रे लिस्ट का मुझे यकीनन पता भी नहीं है, लेकिन ये है कि हालात इन्होंने ऐसे डाउन कर दिए ना, आप यकीन माने, आप कोई भी कारोबार करके देखें, वो आपको ऐसे टैक्सेस डालेंगे, ऐसे चीज़ डालेंगे, वो आपको ज़ीरो ही करके चले जाएंगे। बिलीव करें, ज़ीरो ही करके चले जाएंगे आप। आपसे क्या वजह, क्या वजह यही है कि आप देखे वो सुनने आ रहा है, मैं अगर पोर्ट कराची पोर्ट पे काम कर रहा हूँ, सऊदीया से कार्गो भेजता, वो कहते हैं 4 माह से बंद है। क्यों बंद है भाई? गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है? किन के पास पैसे हैं फिर? आप कैसा काम कर रहे हैं? आवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं आप मुझे काशी भाई थोड़ा सा, आवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं मुझे ये बताएं? ये कहते हैं जी कोरोना आ गया, जी कोरोना आ गया, कोरोना से आवाम मर गई, हमें वेलफेयर चाहिए, हमें फ़ंड चाहिए, वो फ़ंड भी चले गए। क्या हमारे सियासत इतने गरीब हैं, इतने कंजूस हैं कि जो अपने पॉकेट्स मनी से नहीं कोई वेलफेयर ऑफिस बना के किसी को आप इंजेक्शन नहीं लगा रहे? आप कह रहे हैं डेंगी से मार रहे हैं, क्या डेंगी का वहाँ से फ्री इलाज करवा रहे हैं जी? वैक्सीनेशन होती है इनको, तो ये गवर्नमेंट हमारे इतने गरीब हैं, वज़ीर आला या वज़ीर आज़म कोई भी जैसे मेंबर है इनका, कोई कौमी असम्बली का या सूबाई असम्बली का, क्या एक वेलफेयर ऑफिस बना के क्या आवाम को वो टीके नहीं लगा सकते? सिर्फ इन्होंने पैसे मांगने होते हैं, कैसे आप काम करेंगे मुझे ये बताएं? एक वज़ीर आला कोई भी है, एक एम पी जोन सा या एम एन ए जोन सा 50 करोड़ में ये कहते हैं बिक रहा है, हमें टी वी बता रहे हैं ना हम अपने से ना, तो क्या 20 करोड़ में कि वहाँ बच्चों को टीके नहीं लगा सकते? पोलियो के लिए भी ये पैसे वहाँ से मांगते हैं, और पोलियो के भी ऐसे मांगते हैं अपनी कुर्सी के लड़ने के लिए। आप मैं परसों वहाँ पर गया हूँ वज़ीर आला नवाज शरीफ के ऑफिस के बाहर, आप देखिए इनके पास प्राड़ो हैं 5-5, 6-6 करोड़ रुपये की,
वो भाई कहाँ से आती है कि 4 करोड़ की आवाम के ऊपर कोई आप 300 बच्चों को नहीं दे सकते आप, या 300 बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते आप, मुझे इतना सा बता दें आप। ब्रांडो बेच के, हाँ कुछ भी बेचे ना भाई, कुर्सी के लिए तो करते हैं अपना, बेचे ना अपनी चीज़ें। अगर आपके 500 मेंबर हैं, कौन बेचे? वो सारे बेचे, जो भी मेंबर बने हैं एमपी है। सारे बेच दें, सारे बेचे ना। क्या क्या बेचे बताएं जरा। मैं कहता हूँ अपने वसाइल जोन से बना दे, वसाइल बेचे मैंने, ये एक बड़े बड़े बात पूरी करना। क्या क्या बेचे? अपने वसाइल बेचे, अपनी गाड़ी बेचे, इनके पास 3 गाड़ी है, एक प्रोटोकॉल की गाड़ी लेके जा रहे हैं। वो क्या प्राइवेट गाड़ी में ना बता के निकले, प्राइवेट गाड़ी में निकल जाए आप। एक दफ़ा मैंने भी देखा हुआ शहबाज शरीफ को हेलमेट डाल के मोटरसाइकिल पर निकला था, तो ये भी निकल जाए। मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, भरा हूँ 14 साल सऊदीया में, लेकिन जो हालात देख रहे हैं इनका, इतनी इतनी बड़ी गाड़ी हो, एक एक गाड़ी तो बेचें भाई, आप करें तो सही ना। उसे वाम से पैसे लेने चलें, वाम से मांग लेते हैं जी आप, दो भाई सारे, ये भी दे, भी मुझे दे पैसे, जाके मैं एक पेट पानी का लेके मैं उस सिंध में जाऊँ, जाकर उनको पानी पिला के आऊँ। वो भाई पानी से तो आके वो डूब के मर रहे हैं। आप अपने एक एक मेंबर गाड़ी बेचे, या 500 मेंबर हैं, हम इतना ज़्यादा नहीं पता, कम से कम 500 तो होंगे ना। वो एक एक गाड़ी में 500 पराडो आपके पास हैं, तो बुलेट प्रूफ का पराडो सबको पता है, आपको भी पता है कितने की गाड़ी है भाई। कितने की होगी? तकरीबन 4.5-5 करोड़ की है ना भाई जान। 4800 CC 4600 CC इनके पास गाड़ियाँ भाई जान, लेक्सिस इनके पास लैंड क्रूजर हैं भाई जान। वो कहाँ पर बैठे हैं भाई जान? चलो एक एक करोड़ की बेचे हैं, 500 गाड़ी बेच रहे हैं, 500 करोड़ आपके पास है भाई जान, ये भी देखे ना। वो 500 करोड़ से आप हेल्प तो करें ना, चले तो सही ना भाई जान। फिर आवाम भी देगी, आवाम देती है, यकीन मान भाई। आप यहाँ पे खड़े हो जाएं, एक मुझे बोर्ड पकड़ा के आप मेरे साथ खड़े हो जाएं, ये आवाम देगी। कौन सा बोर्ड? कोई भी बोर्ड पकड़ लें। क्या लिखा हो उस पर? कुछ भी लिखा हो उसके ऊपर, जो आवाम के लिए बेहतर हो वो लिख लें। इंसान तो सारे ही हैं, वो जो नॉन मुस्लिम है वो भी इंसान है। आप यकीन करें, हमारे पास इतनी वेलफेयर वहाँ पर आती है, वो सबसे आवाम को जो सा बीमार बंदा है ना, उसको सहूलत देती है। कोई भी अगर उसके पास मेरा आइडेंटी कार्ड एक आमा नहीं है सऊदीया का ना, उसने ये नहीं देना इसके पास कागज नहीं है, वो देखते हैं ये इंसान ज़रूर है, यहाँ पे तो देखा नहीं जा रहा, यकीन माने। ये 15 दिन पहले मेरे वाले साहब की डेथ हुई है, इन्होंने देखा ही नहीं है। वो क्यों देखी, क्यों देखें? क्योंकि मेरे पास तो गया गाड़ी भी नहीं है, जो जिनके पास गाड़ियाँ क्या कर दे रही। आज कल इधर क्या कर रहे हैं आप? मैं ये मोबाइल लेने आया था, मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है तो वो देने दिया। इसमें मोबाइल किधर है? वो मोबाइल वो वर्कशॉप पे दिया। मैं इसको मोबाइल कहते जा रहे हैं? ये अच्छा। एक ही चीज़ है ना उसकी। अच्छा, ये प्रोटेक्टर उसका? जी हाँ। नहीं तो ये आप इतनी अच्छी तकरीर कैसे कर लेते हैं? वो भाई जान अच्छी तकरीर, 14 साल से मैं फार्म में बैठा हूँ, ऐसी तकरीर ये भाइयों को देख के सुन के, टेलीविज़न देखता हूँ, सोशल मीडिया हाथ में, मोबाइल ऑन करो, रात 2 बजे तक यही देखते रहते हैं, ये क्या हो रहा है, इनके किसको पकड़ा जा रहा है। मैं तो आपका ये जितना तमाशा देखता हूँ, मैं आपका यकीन माने, जितने मैंने आपके प्रोग्राम देखे ना, सही करते हैं आप, जो आप वन वे के ऊपर रोकते हैं, एक साथ शाह आपके साथ है जी, मेरे बम में ये फट गया, लेकिन सबसे बड़ी सूलत ये है कि सऊदीया में वन वे नहीं कोई आता, क्यों आएंगे? 2000 हल्का चलाना है, पकड़ दे 24 घंटे के लिए बंद। इतना बना? 1,36,000 रुपया बनता है, आप 6.30 रुपये का रियाल है। मैं इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जुर्माने बढ़ाने चाहिए भाई जान, पाकिस्तान में कानून बनाना चाहिए। जुर्माने आप कैसे करेंगे ना, कानून तो बनाए ना, वहाँ पे पता है कानून पास कर दिया ना, आप वन में गए हैं ना, उन्होंने पकड़े, आपने कहा ना मुझे पता नहीं, उन्होंने कहा ना पता लग गया, ये 2000 रुपये का भाई जान आपने ये पे करना, नहीं तो आपकी 2000 रियाल जी सर, तो उसके ऊपर आप 24 दिन या 24 घंटे के लिए बंद भी कर देंगे आप। जी हाँ, अगर वो वार्डन को नहीं रिक्वेस्ट करता कि छोड़ दे? सर जी वार्डन को क्यों रिक्वेस्ट करेगा उससे, जब एक इतनी को किसी के पास वो लैंग्वेज भी नहीं है उसके साथ बात कर, जब उसने कहना नहीं, सऊदीया के वार्डन में खुदा तरसी नहीं है? खुदा तरसी है तो उसने 2000 का किया ना भाई जान, आप वन में आ रहे हैं, आप जैसे ही गवर्नमेंट वन में जा रही है, किसी को मारेगी ना, तो मार रही है, ये गवर्नमेंट हमारे वन में जा रही है, वन में जा रही है, ये रॉन्ग है, ये वन में जा रही है। अगर आप बाहर निकले यहाँ, गवर्नमेंट वन में जा रही है, मेरी बात सुनिए, माल के ऊपर निकले आप, माल के ऊपर जाएं, वन में जाएंगे आप, मुझे बताएं आप, वो पकड़ता उसको वो छोड़ेगा वन में? नहीं, अभी तो उन्होंने कह दिया इसको FIR दो, यही है ना, अभी कानून है FIR दो, दो FIR भाई, आप इसको दबा के अंदर डालेंगे तो दूसरे, मुझे इसको नसीहत होगी, मुझे भी। लोग तो बुरा मनाते हैं जब बड़े हुक्मरानों को भाई जान में पकड़े जाते हैं, वो कहते नहीं यार, मेरी बात सुने आप, वो बंदा बुरा मनाता है ना, उसको ऊपर सेकंड FIR भी दो, अगर कानून बनता है जो बुरा मनाने का, वो भी दो उसको, बुरा मनाने की FIR भी होनी चाहिए। नहीं सर, सारे हम गलत हुए ना, क्यों? मुझे नसीहत होगी ना वो बंदे को, इसलिए मेरे बंदे का वन में चलान होगा, ये मुझे 10 बंदों में दोस्तों में बताएगा, ओ भाई ध्यान करी जाई ना उधर, वन में चलाना बंद भी हो जाएगा। और मैं अपने बाप की दवाई लेने जा रहा हूँ, वन में चले मैं बंद हो गया, बाप तो गया ना मेरा भैया, मेरी माँ गई एमरजेंसी की सूरत में। आप भाई जान आप एमरजेंसी बाइक खड़ी करके पैदल चले जाएं, पैदल वन में जाने का चलान तो नहीं है ना? नहीं पैदल नहीं है,
और वन में पैदल वन में मोटरसाइकिल कितनी जाएगी, आधा किलोमीटर तक आपने घूमना फिरना होता बस। वन में वही बंदा जाता है जिसे आधे किलोमीटर घूम के वापस आ जाना है, उसने नहीं जाना जिन्हें मैं चार किलोमीटर जाना, चार किलोमीटर वाला कोई रोड भी नहीं यहाँ पे। हमारे हमारी मुआशरा आप ये देखिए, आप किसी को आपने चेक करना है उसको खाने के ऊपर इन्वाइट वाइट कर ले तो आपको पता चलेगा वो कैसे खा रहा है। तो हमारे मुल्क का देखना तो रोड देखना, 20 किलोमीटर भी नहीं रहा इसकी रोड की स्पीड, 20 भी नहीं रही। नहीं तो ये कैसे पता चला आपको कि मुल्क के हालात ख़राब हैं? मुल्क के हालात ख़राब हैं, मुझे 6-7 माह यहाँ पर हो गए आए हुए, तो मैं ये देख ही रहा हूँ ना भाई जान। तो पहले भी मैं तो छुट्टी आता हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ हमारा पाकिस्तान ठीक है, पाकिस्तान की कोई गलती नहीं है ठीक है। जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ना, वो कोई बंदा भी एक्स वाई जेड कोई भी है, वो सारे मन में है। वो अपनी कुर्सी के लिए भाई ने बात की है कि जी वो मैजिक कुर्सी, मैं कहता हूँ जादू वाली कुर्सी नहीं है भाई, कोई जादू नहीं है, सब झूठ है, सिर्फ अपने अपना पैसा बचाने के। आपका चलान नहीं कभी सऊदी में हुआ? आपका मेरे पास लाइसेंस नहीं ना, मेरे पास गाड़ी है, काम किया तो बस बात खत्म करती। तो मेरे जो कंपनी के बंदे हैं वो तो बता देना भाई हो गया ही, इशारा तोड़ते ही गलत पार्किंग की, गलत 500 रियाल है गलत पार्किंग। इशारा तोड़ने का कितना? 2000 रियाल उसका भी, वन वे का भी 2000। हाँ 140 स्पीड कर दी है वहाँ पे मक्का से मदीने की, 145 पे जाएंगे 700, 160 पे जाएंगे 900, 170 पे जाएंगे डंडे भी साथ बंद, चलान 25% उसके लंबन है जीरो, एक भी नहीं कि इसको माइनस कर दे, जीरो कर देंगे उसको, लाइसेंस कैंसिल कर देंगे उसको। उसको ऐसी तमीज दिलाते ना, वो सारी जिंदगी लाइसेंस भी बनाता है, 50 बंदों को भी बोलता है भाई वो। इससे रोड एक्सीडेंट्स में कमी आती होगी फिर काफी। सारी बात है, सबसे ज्यादा मरते भी वहाँ पे आप 75%, उसने 75% कंट्रोल कर दिया है कि नहीं भाई होगा, क्यों आप गलत क्यों जा रहे हैं भाई, आप मुझे बताना गलत क्यों है। हम सब लोग गलत हैं, हम नहीं वन में जाएंगे, लेकिन ये गवर्नमेंट वन में जा रही है, किसी बंदे की गवर्नमेंट ही है, चाहे यजीज की है, चाहे माविया की, चाहे किसी की भी है, ये सारे वन में जाने सिर्फ भाई अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना काला दंद बचाने के लिए। आप 500 कितनी मार्केट कितनी बड़ी बार, इतनी देर 500 करोड़ उन्होंने पैसा लगाया हुआ है, 3 माह से इनका 3 माह से बंद है। ये मुझे पता चाह रहे ना कोई हमारे दोस्त, हम चीज़ें लेने आते कहते भाजी महंगी हो गई जी, तो उन्होंने महंगियाँ तो करनी करनी है, महंगियाँ तो उन्होंने करनी करनी भाई। यहाँ पे जब तक हम लोग बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, कैसे ठीक जा रहे, फिर हमने वाने भी जाना है, फिर हमने करप्शन भी करनी है, फिर हमने चीज़ें भी महंगी भेजनी है। जब गवर्नमेंट हमें रिलीफ का मतलब है, हमें खाने नहीं दे रही, हमें खाना नहीं दे रही, वो तो फिर हमने खाना वहाँ से ही निकालना भाई, आप लोगों से ही निकालना है। आप अपने मोबाइल का पहुँच पूछ के पिछले ये 70 रुपये का था, आज 200 रुपये का ले के हम आए हैं, देंगे वो फिर कहते हैं इम्पोर्टेड है, जो भी है ठीक कह रहे हैं फिर वो। लेकिन ये जो गवर्नमेंट वन में जा रही है ना, खुदा रहा इनको चाहिए कि ये अपना मरना सब नहीं भाई, ये सोच रहे हैं कि जी अल्लाह की आग से देख लेंगे, जो यहाँ की आग वहाँ की आग का बड़ा फ़र्क है, वो अल्लाह की आग है। वो कहते हैं जी अमेरिका में देखें जी, वो डॉलर इतने का हो गया, इतनी मुआशरा अमेरिका बने तो सही ना, पहले हम पैसा तो बचाएं ना अपना, हम खुद अंदर से गलत है भाई जान, हमारी गवर्नमेंट गलत है। आप मुझे कहीं भी बुलाएं मैं यही कहूँगा हमारी गवर्नमेंट वन में जा रही है। वो आप असम्बली में अल्लाह का नाम होते नाम लिखे होते फिर आप झूठ बोले तो पता नहीं चाहे, मीडिया वालों को ज़्यादा पता क्यों आपको अंदर जाने की इजाज़त है। आप एक ग्रुप बनाएं वाम के मेंबर बने यार, आप मेंबर लेके आए, अगर वो भी पार्लियामेंट में बैठ के वाम के वोटों से आते हैं आप भी आ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी थैंक यू, अल्लाह थैंक यू सो मच। सऊदीया कब जाना है आपने? ये मैं इंशाल्लाह 15 दिनों तक चले जाऊंगा, इंशाल्लाह 15 दिन तक जाएंगे जी हाँ। बेस्ट ऑफ लक, आप अभी चले जाएं। मैं पानी वो कह रहे हैं मैं पानी शुक्रिया थैंक यू, जितने गुस्से में इनको अभी चले जाना चाहिए।